आप सुन रहे हैं कविता मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। माँ कभी नहीं सोती, सुबह जल्दी उठने पर देखती हूँ माँ बुहार रही होती है घर, साथ में रसोई से भी आ रही होती है आवाज़ें। सुबह माँ के दो नहीं चार हाथ हो जाते हैं, पर आंखें वही एक जोड़ी जिनमें कोई नहीं होता नींद का चिन्ह। मैं दोपहर को खाना खाकर थोड़ा सुस्ता लेती, पर माँ तब भी बिन रही होती कंकड़ एक एक कर तल्लीनता से। पहले चावल फिर दाल बिन लेती, अब दोनों के कंकड़ पड़े होते हैं साथ साथ। कंकड़ों से पुरानी रंजिश है माँ की, वो हर बार हमारे आसपास का हर कंकड़ चुन लेती। रात में जब हम खाना खाकर सो जाते, माँ को देते रहते आवाज़, पर माँ आती हूँ कहकर जाने रसोई में क्या कर रही होती। आवाज़ें बदलती रहती पर माँ आती नहीं दिखती। हम सो जाते हैं पूरी रात चैन से माँ के स्नेह उषुम में, पर माँ कब सोई और कब उठी कोई नहीं जानता। अब भी हम माँ को ढूंढ रहे हैं, कहाँ से बैठी, काम करते करते भी हमें अपना उष्म स्नेह दे रही है, दिखती क्यों नहीं। अब माँ नहीं है सब कहते हैं, पर मेरी माँ है, वो अभी भी संभालती है मुझको, क्योंकि हम सो जाते हैं और माँ कभी नहीं सोती, और माँ कभी नहीं सोती। कविता समाप्त। धन्यवाद। पसंद आने पे अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें।